Are you still confused whether you should be appearing for commerce, management or HR optional as your UGC NET exam? Then this video is going to clarify all your doubts. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET paper 1, paper 2, commerce and management. बहुत सारे मेरे पास messages आते हैं, बहुत सारे calls आते हैं, जहां students सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर क्या हमें कॉमर्स में अपियर होना चाहिए, मैनेजमेंट में अपियर होना चाहिए या फिर यूजीसी नेट एचआर जिसे हम लेबर वेलफेयर भी कहते हैं इसमें अपियर होना चाहिए। होपफुली एंड थैंकफुली आई हैव गिवन ऑल दीज थ्री एग्जाम एंड मैंने जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया हुआ है और नेट एचआरएम में क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं टेक्निकली आपको तीनों के प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूं और तीनों को कंपेयर करके बता सकता हूं दैट विच इज गोइंग टू बी मोस्ट एडवांटेजियस टू यू, ठीक है। बट उससे पहले सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं और दो महीने बाद तीन महीने बाद उनको रियलाइज होता है कि वो एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यूजीसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करूं, इफ यू हैव अपियर्ड फॉर एमकॉम, अगर आपने अपने मास्टर्स में एमकॉम किया हुआ है तो आप कॉमर्स यानी कोड 8 यूजीसी नेट में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट दैट मींस एमबीए किया हुआ है तो फिर आप कोड 17 मैनेजमेंट में अपियर कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया हुआ है विथ अ स्पेशलाइजेशन इन एचआर, अगर आपने एचआर की स्पेशलाइजेशन चूज करी थी, देन यू कैन अपियर फॉर कोड 55 विच इज एचआर एंड लेबर वेलफेयर। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसके सिवाय आप किसी भी सब्जेक्ट में पेपर नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि सर सिलेबस तो मैच करता है, काफी सारे सब्जेक्ट्स मैच करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के बीच में इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर हमारे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, ये तो कॉमन है तो हम क्यों नहीं अपियर कर सकते। एमकॉम वालों को लगता है कि सर हम मैनेजमेंट में अपियर कर लेते हैं और मैनेजमेंट वालों को लगता है हम कॉमर्स में अपियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एलिजिबिलिटी कंडीशन क्यों बनाई गई या फिर क्यों इतना रिजिड होना पड़ा एनटीए को कि वो लास्ट ईयर से अगर आप फॉर्म फिल भी कर देते हैं, एग्जाम दे भी देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट ही नहीं रिलीज करता। मैंने एक वीडियो बनाई भी है जहां मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था दैट व्हाई इज एनटीए विद होल्डिंग द ई सर्टिफिकेट्स फॉर यूजीसी नेट कैंडिडेट्स, और उसका रीजन यही था कि एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट नहीं हो रही थी। अब इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। सपोज करिए कि आपने मास्टर्स करी हुई है एमकॉम के अंदर, ठीक है, मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है और कल को आप मैनेजमेंट क्वालिफाई कर लेते हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट क्वालिफाई कर लेते हैं और आप किसी डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। अब आपको कल को कह दिया जाता है कि भाई आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली टॉट टू एमबीए स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचिए, आपने दो मैनेजमेंट क्वालिफाई कर लिया बिकॉज कट ऑफ तो अराउंड 60-65 जाती है, तो अगर बाकी सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है तो आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे। बट अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाने को कहा जाए, यू विल नॉट बी एबल टू टीच दैट सब्जेक्ट इन अ मच मोर इफेक्टिव मैनर बिकॉज आपने उसको ना ग्रेजुएशन में पढ़ाया और ना आपने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया। सिमिलरली अगर एमबीए वाला कोई कैंडिडेट है, वो अगर कॉमर्स में कोड 8 में एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है और कॉलेज में लग भी जाता है और कल को उसको कहा जाता है कि सर आपको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पढ़ाना है, लॉ पढ़ाना है या फिर आपको टैक्सेशन पढ़ाना है, अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट को इनडेप्थ नहीं पढ़ रखा। जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, इसलिए ये एलिजिबिलिटी कंडीशन को इतना रिजिड कर दिया गया है कि अगर आप मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में हैं तो आप कॉमर्स में अपियर हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, डू नॉट फिल द फॉर्म इन द क्रॉस सेक्शनल सब्जेक्ट्स और क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। पहले ये रूल था बट फॉलो नहीं किया जाता था, सर्टिफिकेट रिलीज हो जाते थे। सो वी हैव बीन लकी, मी एंड अनुज सर बोथ हैव बीन लकी कि हमको कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआर तीनों का ही सर्टिफिकेट मिल गया, तो हमने सिर्फ एमकॉम कर रखी है। बट अब अगर आप ये ऐसा रिस्क लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट रिलीज नहीं होंगे और आपके 6 महीने बेकार हो जाएंगे। सो प्लीज डोंट मेक दिस एरर एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दैट वॉज ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।